नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नवजुआर कार्यक्रम को उत्तर बंगाल में लोगों का भारी समर्थन हासिल हुआ है। अभिषेक ने कूच बिहार से लेकर उत्तर दिनाजपुर तक हर जगह सभाएं की। कभी मंच से उतरकर आम लोगों के बीच पहुंचे तो कभी आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। अभिषेक ने 6 जिलों में करीब 32 सभाएं की। उत्तर बंगाल की उनकी यात्रा गुरुवार को मालदा में एक बैठक के साथ समाप्त होगी। अभिषेक बैनर्जी गुरुवार को मालदा के इंग्लिश बाजार में सभा करेंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बैनर्जी भी बैठक में शामिल होंगी। ममता बैनर्जी और अभिषेक एक ही मंच पर नजर आएंगे। मुर्शिदाबाद के जलांगी में एक युवक का सड़क किनारे पेड़ से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान लवलू मंडल के रूप में की गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार की सुबह घोषपाड़ा अंचल के भूतगढ़ी इलाके में लवलू मंडल का शव सड़क के किनारे पेड़ से लटका मिला। परिवार का दावा है कि लवलू के शरीर में चोट के कई निशान पाए गए हैं। आरोप है कि युवक की भोजाली से वार कर हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मारा गेसे थाना ते आछि एबे ओइ मुहूर्ते धन जाइछि देखला जेतो परिस्थिति याय पूरा की अवस्था छिले ओइ जे अपना भूतघरे माठे ओखाने बोलछे जे टांगा नै छिले। हां पुलिस जाने की भाबे छलो आमी तो डायरेक्ट हॉस्पिटल चले छि ओखाने टांगा नै छिले कोन सुनते पेछे बोललो जे ओखाने टांगा नै छिले थाना ले आसलो एटा बोललो पुलिस निजे नै चले आछि। 2 दिन की भीषण गर्मी के बाद बुधवार को महानगर में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बारिश होने से महानगर में तापमान में गिरावट आई। देश विदेश से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर 7वें दिन बुधवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।